वेलकम टू रिचार्ज मैनर। सिंघाड़ा जो होता है वो बहुत कम टाइम के लिए आता है, उसका सीजन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, तो एक दो महीने या तीन महीने मैक्सिमम ये आता है। तो इसको बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। यूपी साइड में इसको ज्यादातर पका के खाया जाता है, यानी कि बॉयल करके या फिर इसको छौंक यानी फ्राई करके या फिर सब्जियों में इसका यूज किया जाता है। दिल्ली में मैंने देखा है कि यहाँ पर इसको ये लोग कच्चा खाते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। यहाँ पर किसी से बात करो कि इसको फ्राई करके खाते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता, अरे इसको फ्राई भी किया जाता है। तो जी हाँ, आज मैं आपको सिंघाड़ा फ्राई करके दिखाने जा रही हूँ और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हम लोग तो कच्चा नहीं खा पाते, हमें फ्राई करा हुआ ही अच्छा लगता है। तो आपने अगर पहले इसको ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं सिंघाड़ा फ्राई कैसे बनाना है। और वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो सिंघाड़े लिए हैं और इनको धोकर छील लिया है और इस तरह से बीच में से काट लिया है। तो मैं बताती हूँ कितनी आसानी से इसको काटा जा सकता है। तो इस तरीके से इसको हाफ कर लेंगे और उसके बाद हाथ से आराम से इसका छिलका निकाला जा सकता है। और इस तरीके से इसको अलग कर देंगे और इसके ऊपर हल्की सी एक स्किन टाइप की होती है, जिसको ऐसे हल्का सा चाकू से खुरच के इसको निकाल दें, वरना ये पकने के बाद ही अलग सी लेयर से दिखाई देती है, तो इसको निकाल देते हैं। इसी तरीके से ये हाफ में जब आप काट के इसको जो छीलेंगे तो बहुत ही आसानी से सिंघाड़ा छिल जाता है। और इसके बाद इसको हम धो लेंगे, पहले भी धो लेंगे और काटने के बाद भी इसको एक बार धो लेंगे। और चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ गैस पर, और इसमें मैं यूज़ करूँगी देसी घी। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और एक हरी मिर्च यहाँ पर मैंने काट कर ले ली है। इसको हल्का सा चला लेंगे और इसके बाद हम इसमें सिंघाड़े डाल देंगे। तो सिंघाड़े अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, बट इसको अगर घी में बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच काली मिर्च, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक, या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ये मिर्च और नमक ले सकते हैं। और इसको आप ये जो सिंघाड़ा है आप व्रत में भी खा सकते हैं, बस आप इसमें सादे नमक की जगह सेंधा नमक का यूज़ कर लीजिए और इसको घी में ही बनाइए। और इसके बाद यहाँ पर मैं ये धनिया जीरा का मिक्स भुना मसाला है जो इसको यहाँ पर डाल रही हूँ, ये भी करीब चौथाई से आधा चम्मच मैंने यूज़ किया है, छोटा चम्मच। और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले से शेयर करी है, ये एक तरीके से मैंने शेयर किया था व्रत का मसाला। इसका लिंक मैं वीडियो में कहीं ना कहीं ज़रूर दे दूंगी, अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, अगर ना बनाना चाहें तो थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर भून के इसमें यूज़ कर लें। और ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोल के इसको चलाया तो इसका पानी छूट चुका था, अलग से पानी का हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये 10 मिनट पकने के बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब ये काफ़ी सूख चुका है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, और इसके बाद इसमें हम धनिया के पत्ते डालेंगे कटे हुए, और इसको मिक्स करेंगे सब चीज़ों को अच्छे से। अच्छा, ये जो पकने का इसका टाइम है ये अलग अलग हो सकता है, हो सकता है ये 7-8 मिनट में ही पक जाए, हो सकता है इसको 15 मिनट लगे। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए कि कितनी देर में ये पक जाता है। और आँच को अब हम धनिया डालने के बाद थोड़ी देर तेज़ कर देंगे, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, मतलब सूख जाएगा, और उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे प्लेट में। तो ये तैयार हो गए हमारे एकदम चटपटे से सिंघाड़े, और आप इसको सुबह या शाम किसी भी टाइम नाश्ते में चाय के साथ ले सकते हैं। इसके साथ और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही सफिशिएंट होते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।